बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक व तआला के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इस कलमे को हर कोई जानता है। इस कलमे को पढ़ते वक्त ये दो गलतियाँ करना छोड़ दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप ये दो गलतियां करते रहेंगे तो यकीन कीजिए आपको ये कलमा पढ़ने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आप इसको जितना मर्ज़ी पढ़ेंगे आपको इसकी जो फजीलत है, जो इसकी अफादियत है, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं। तो मेरी बहन और भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। मेरी बहन और भाइयों, ये जो कलमा है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिर फिरुल्ला, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और अगर आप इस कलमे को पढ़ते वक्त ये गलतियां जो मैं आज आपको बताऊंगा अगर ये करते हैं तो आपको इस कलमे को पढ़ने की जो फजीलत है वो हासिल नहीं हो सकती। जो आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको हासिल नहीं होगा। मेरी बहन और भाइयों, इस कलमे को पढ़ने की फजीलत ये है कि जब कोई बंदा इस कलमे को पढ़ता है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, तो इसको पढ़ने की फजीलत यह है कि दुनिया इसके पास जलील होके रुसवा होके नाक रगड़ती हुई इसके पास आती है। मालो दौलत इसके पास आता है तो इस वजीफे की बहुत बड़ी फजीलत है। तो अगर आप इसको पढ़ते हुए ये इन बातों का ख्याल नहीं करेंगे जो मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको वो फजीलत हासिल नहीं हो सकती जो आप जो है हासिल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजीफे को पढ़ते रहते हैं, रात को अपनी नींद छोड़कर सुबह नमाज के लिए कोशिश करते हैं, उठते हैं ताकि फजर की नमाज भी जमात से पढ़ें और ये वजीफ़ा भी हम नमाज से पहले अदा कर सकें। तो इस वजीफ़े के लिए नमाज से काफ़ी देर पहले उठ जाते हैं, अपनी नींद छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए ताकि इस वजीफ़े की जो फजीलत है वो हमको हासिल हो जाए। लेकिन करते क्या हैं कि वो इन बातों का ख्याल नहीं करते, इनमें से कोई एक चीज़ है वो मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा कैसे होगा इस वजीफ़े के अंदर, इन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना है, तब जाके इस वजीफ़े की जो फजीलत है वो आपको हासिल होगी। तो वो जो गलतियां हैं वो कौन सी हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, तो आपने पूरे ध्यान से गौर से जो है उनको सुनना है ताकि दोबारा जो है वो आप उन गलतियों को ना दोहराएँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो, ताकि वो भी इन गलतियों से जो है वो बाज आएँ और इनका ख़ास ख्याल रखें। तो इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त वो गलतियाँ क्या हैं, इनको इसको कैसे पढ़ना है, इस कलमे को इसका ख़ास ख्याल आपने रखना है। तो इस वजीफ़े के अंदर जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि इस वजीफ़े के जो अल्फाज हैं उनको हम सही तरह से नहीं पढ़ते हैं। यानी इस वजीफ़े के जो अल्फाज का आपने ख़ास ख्याल रखना है, पढ़ते वक्त जो अल्फाज जो कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वही कलिमात आपको पढ़ने हैं। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो इसमें जो है इस इन अल्फाज को पढ़ाते हैं, इनमें इजाफा करते हैं, और बाज़ ऐसे लोग हैं जो इनको कम करके पढ़ते हैं। वो अल्फाज क्या हैं, वो नबी करीम सल्लम के बताए हुए अल्फाज हैं। वो अल्फाज ये हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज नबी करीम सल्लम ने इस वजीफ़े के लिए बताए हैं। इन अल्फाज के साथ जो है इन्हें पढ़ा करो, लेकिन बाज़ साथी ऐसे हैं जो इन अल्फाज के अंदर ज़्यादती करते हैं और यूँ पढ़ते हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। बाज़ अफराद व बिहम्दी का अजाफ़ा करते हैं आखिर में, और बाज़ साथी ऐसे हैं जो कमी करते हैं इसमें, यानी ऐसे पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, और बाज़ साथी ऐसे हैं जो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तक पढ़ते हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी गलती यही है कि आप इन अल्फाज को नहीं पढ़ते जिन अल्फाज को नबी करीम सल्लम ने पढ़ने के लिए फ़रमाया है। जब नबी करीम सल्लम ने सहाबी को ये
الفاظ بتائیں تو آپ بھی یہی الفاظ پڑھا کریں، اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہ کیا کریں۔ تو جو ساتھی کم پڑھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور جو ساتھی زیادہ پڑھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہی الفاظ ہمیں پڑھنے چاہئیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو ہم نے اسی مقدار میں پڑھنا ہے، یعنی وہی الفاظ پڑھنے ہیں جو ہمارے پیارے آقا نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعداد، یعنی ان کلمات کو کتنی تعداد میں ہمیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ کلمات پڑھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، صبح نماز سے پہلے اٹھ کر یہ کلمات پڑھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ان سے بعض کم پڑھتے ہیں اور بعض زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جتنی مقدار میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تعداد ہے 100 مرتبہ، یعنی آپ نے صبح جو ہے اٹھتے ہی نماز فجر سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھتے وقت سنتوں اور فرائض کے درمیان صرف 100 مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو یہ دو غلطیاں ہیں جو ہم اکثر لوگ کرتے ہیں، ہمیں تعداد کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اس میں جو الفاظ ہیں ان میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ تو ان دو غلطیوں کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو یقین کیجئے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کے فائدے ہیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں بہت زیادہ رزق میں تنگی آ چکی ہے، آپ غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا سنتوں اور فرائض کے درمیان صرف 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمہ، یہ جو خاص کلمہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یقین کیجیے اگر یہ خاص کلمہ میرے بتائے گئے طریقۂ کار کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑے دنوں بعد آپ اس کا معجزہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ نوازیں گے کہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ آج کا عمل آپ لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔